देखो गाइस, एक ही बात बोलूंगा, YouTube इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं भेजा है। आप या तो सर्च से देख रहे हो या रिकमेंड से देख रहे हो या फिर आप कैसे भी देख रहे हो, जी हाँ, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना। एनीवेज, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के डेटा ट्रांसफर को लेकर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारे लोगों का डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल्सो दोस्तों, आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास मतलब डेली आ रहा है। आप लोग यही पूछते चले जा रहे हो कि भाई, हमने जो बीटा वर्जन में अपना डेटा को ट्रांसफर कर लिया है, क्या हमारा जो ओरिजिनल वर्जन आएगा उसमें हमारा डेटा हमको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करके बगल में एक ऑल का ऑप्शन होता है उसके ऊपर भी क्लिक कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई वैसे लोगों के बारे में जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि भाई, हमने जो है वो अपना बीटा वर्जन में डेटा को ट्रांसफ़र कर लिया पबजी ग्लोबल का, तो भाई हमें जो है वो फिर से डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्या जो ओरिजिनल वर्जन आएगा। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, अब जब आपने एक बारी डेटा को ट्रांसफ़र कर लिया, जी हाँ, बीटा में, तो आप इसमें अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि भाई आप दोबारा क्यों ही करोगे डेटा को ट्रांसफ़र। अगर आप रुक जाते, ठीक है ना, अगर आप वेट करते तो भाई उसके बाद आप ओरिजिनल वर्जन में करते तो वो एक अलग बात होता है। लेकिन अगर आपने कर लिया है तो आपको दोबारा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो भी चीज़ से आपने लॉगिन किया था, फेसबुक से, गूगल से, या फिर ट्विटर से, या फिर किसी से भी, आप डायरेक्टली जो जब ओरिजिनल वर्जन आएगा आप उसको अपडेट करोगे और उसके बाद जो भी चीज़ से आपने लॉगिन था आपका, आप बिंदास वहाँ से लॉगिन करके खेल पाओगे। आपको दोबारा तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपका ये डॉट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं भाई वैसे लोगों के बारे में जिनका जो डेटा ट्रांसफ़र है वो फेल्ड हो जा रहा है। उनको कुछ इस तरीके का पॉपअप आ रहा है कि भाई, फेल टू लॉगिन, प्लीज़ चेक इफ़ यू सिलेक्टेड द करेक्ट सर्वेंट एंड हैव क्रिएटेड द कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है कि भाई उनका डेटा ट्रांसफ़र फेल्ड हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली मैसेज में ही इन्होंने लिख दिया है कि भाई आपका जो सर्वर है वो कुछ अलग है। और भाई बहुत सारे लोगों को ऐसा इशू आ रहा है कि अगर उनका सर्वर कुछ डिफरेंट है, जी हाँ, तो उनको जो है वो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई उनका डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जी हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आपका सर्वर कोई डिफरेंट था और आपने अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लिया या फिर आपका नहीं हो रहा है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। एनीवेज, बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है तो भाई नहीं ही होगा। हो सकता है भाई कि ओरिजिनल वर्जन आए तो आपको उसमें जो है वो डेटा ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाए। फिलहाल बीटा वर्जन में आप लोग नहीं कर पाओगे जिसका जो है वो जो कि आपका सर्वर है कुछ अलग है। अब आते हैं भाई दूसरे टाइप के प्रॉब्लम जो लोगों को आ रहा है, जो कि है भाई यहाँ पर इनको यहाँ पर आपको दिखता होगा कि योर अकाउंट नॉट क्वालिफाइड फॉर डाटा ट्रांसफ़र, द डाटा ट्रांसफ़र इज़ ओनली अवेलेबल फॉर अकाउंट क्रिएटेड बिफोर, और यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर नहीं दिया है, 000 है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये उन जैसे लोगों को आ रहा है, जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपना अकाउंट या तो पबजी के बैन होने के बाद बनाया या फिर वो कुछ खेलते ही नहीं थे, उनके पास कोई डेटा ही नहीं है अकाउंट में, मतलब अकाउंट मतलब बना के छोड़ दिया, एंड अब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आए तो वो अपना डेटा ट्रांसफ़र करने का ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई आप लोगों का जो डेटा है इस केस में आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, तो वो आपको डेटा क्या देंगे। तो जो भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आप अपना बिंदास खेलो, आप डेटा ट्रांसफ़र करके करोगे कि आपके पास अगर कुछ है ही नहीं तो। भाई बात करते हैं सर्वर चेंज के बारे में। देखो सर्वर चेंज अगर आप लोग करके रखे हो तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है सर्वर के बारे में। तो अगर आपका सर्वर कोई डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ पर एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया कि भाई इनका जो सर्वर है वो इजिप्ट था, तो इनका जो ये जो प्रॉब्लम था मैंने आपको बताया, तो यही बंदे को ये प्रॉब्लम हो रहा है भाई, इसका सर्वर कुछ डिफरेंट और इसका डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जी हाँ, अगर आपका सर्वर कोई डिफरेंट है तो आपका डेटा यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होने वाला है। जी हाँ, अब बात करेंगे ओरिजिनल वर्जन के बारे में, फिर उसमें देखेंगे ओरिजिनल वर्जन में हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं भाई एक और प्रॉब्लम हो रहा है सर्वर डेटा ट्रांसफर को लेकर, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर, जो कि भाई आप लोगों का सब कुछ नॉर्मल है लेकिन आप लोग जब डेटा ट्रांसफर करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपका डेटा ट्रांसफर फेल हो जाता है। तो देखो ये जो आप लोगों को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है ये यहाँ पर दोस्तों एक आप इसको कह सकते हो नॉर्मल सा बग्स है। आप सभी जानते हो कि अभी गेम बीटा वर्जन में और उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, पिंग भी कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और सो दोस्तों काफ़ी सारे इसमें बग्स चल रहे हैं। धीरे धीरे जो वो इसको सॉल्व करा जाएगा। बेसिकली ये जो गेम है बीटा वर्जन, ये एक बेसिक वर्जन है तो इसमें थोड़ा बहुत बग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को जो वो कमेंट कर सकते हो या आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा या फिर आपको इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई कर दूंगा।
40K के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो 40K करा देना। यह मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम, जाके मेरे को फॉलो कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।